हेलो फ्रेंड्स, आई एम से पिंट गुप्ता एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बस सी ए यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पॉवर्टी इन इंडिया। दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 8, पॉवर्टी इन इंडिया। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है पॉवर्टी इन इंडिया। एज यूजुअल अगर आपको मालूम हो, हमने जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर डाले वहाँ पर हमने सबसे पहले चैप्टर का नाम का मतलब जाना है। तो चलिए इस चैप्टर में भी हम शुरुआत करेंगे मतलब से। सो मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी को पढ़ेंगे। पीपल आर, पीपल मतलब हम जैसे इंसान लोग, आर अनेबल टू फुलफिल, क्या अनेबल टू फुलफिल मतलब आप वो चीज़ को पूरी नहीं कर पा रहे हो। क्या नहीं पूरी कर पा रहे हो? रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। किस वजह से? क्योंकि आपका फंड नहीं है, आपके पैसे नहीं है, इनसफिशिएंट इनकम। सो दोस्तों रोटी, कपड़ा, मकान, आप ये चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू इनसफिशिएंट इनकम। ये इसका मतलब होता है पॉवर्टी, मतलब आप गरीब हो, इसका मतलब होता है पॉवर्टी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। जो टॉप एजेंडा रहा है गवर्नमेंट का आफ्टर इंडिपेंडेंट, जो गवर्नमेंट हमेशा वादा करती है, जो हर गवर्नमेंट वादा करती है कि हम पॉवर्टी को ख़त्म कर देंगे, हम गरीबी को ख़त्म कर देंगे, जो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है इंडिया जैसी कंट्री में। एंड चलिए मौन करते हैं इसका अपग्रेडेड या फिर लेटेस्ट वर्जन ऑफ पॉवर्टी का मतलब समझने। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मल्टी मल्टी मतलब बहुत कुछ, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान तो ठीक है भाई, रोटी, कपड़ा, मकान तो ठीक है, यहाँ पर स्कोप बढ़ गया है ये चीज़ का, जहाँ पर आपको हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रा, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये भी एक बेसिक नीड में आ गई है, जहाँ पर आप देखेंगे कि इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके आप मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उसका मतलब समझ जाएंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। भैया पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो दोस्तों पॉवर्टी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो पार्ट में समझना होगा। फर्स्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, आप कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, टाइप ऑफ पॉवर्टी बोल दीजिए, इज वन ऑफ द सेम एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एंड सेकेंड है रिलेटिव पॉवर्टी। दोस्तों जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है, एंड इज वे लेस एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आपको देखना होगा मिनिमम कैलरी इनटेक क्या है, मतलब जो आपके डेली की जो कैलरी इनटेक है, आप कितना कैलरी कंज्यूम करते हो उसको आप देखना पड़ेगा। रूरल एरिया में जो कैलरी इनटेक है वो है 2400 एंड अर्बन एरिया में 2100 है, और अगर इसका आप एवरेज करें तो 2250 आपका हो जाएगा एवरेज। सेकेंड है रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी जहाँ पर आप कंपेरिजन ऑफ कंपेयर करते हो लिविंग ऑफ डिफरेंट सेशन ऑफ पीपल, मतलब अगर समझ लिया आप कोई बिल्डिंग या फिर कोई घर में रहते हो और अगर आप कंपेयर करो अपने बाजू वाले या फिर पूरे बिल्डिंग वाले से, तो यहाँ पर आप रिलेटिव पॉवर्टी का यूज़ कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पॉवर्टी लाइन, एंड ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पॉवर्टी लाइन मतलब यहाँ पर एक रेखा खींच गई है, यहाँ पर एक लाइन खींच दी गई है। अगर आप ये लाइन के नीचे हो तो आप पॉवर्टी हो, मतलब आप गरीब हो। अगर ये लाइन के ऊपर हो मतलब आप अमीर हो, मतलब आप मिडिल क्लास या फिर अमीर हो। सो फर्स्ट है इट इज़ ए इमेजिनरी लाइन, भैया इमेजिन लाइन है, मतलब कोई एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं है, इमेजिन लाइन है, जहाँ पर आपको पुअर एंड नॉन प्योर पीपल को डिफाइन किया गया। सो पुअर पीपल को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड कोई एक घर की, एक आदमी की नहीं बात हो रही है यहाँ पे, एक घर की बात हो रही है, और वो भी एक्सपेंस की बात हो रही है, एक्सपेंस इनकम की नहीं, खर्चे की बात हो रही है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है कि अगर पॉवर्टी लाइन को आपको डिफाइन करना है या फिर आप अगर पॉवर्टी लाइन के अंदर फॉल करते हो नहीं करते हो, तो वहाँ पर 1.9 पर डे, मतलब डॉलर 1.9, अगर करंट जो मार्केट रेट चल रहा है डॉलर का वो है 72-73, अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे इन रुपीज़ में तो 140 रुपीज़ पर डे की वैल्यू आती है। अगर आपके घर का खर्चा 140 रुपीज़ है और अगर आप वो अर्न नहीं कर पाते हो तो आप भैया पॉवर्टी हो, मतलब आप गरीब हो। अगर आप 140 के ऊपर आप खर्चे को इनकम बना सकते हो, मतलब उतना आप कमा सकते हो, तो आप हो अमीर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर 1.9 अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में 21.2% पॉवर्टी है, मतलब 1/5 पॉपुलेशन जो है वो है गरीब। तो दोस्तों ये है इंडिया की कंडीशन, और इस जो डेटाबेस है, इस जो फिगर, ये जो फिगर को देखकर गवर्नमेंट को कुछ अच्छा एक्शन लेना चाहिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो भैया पॉवर्टी कितने टाइप की हो सकती है? दो टाइप की हो सकती है, एक तो अर्बन, एक तो रूरल। चलिए
नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन करते हैं, जो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, में कारण क्या हो सकते हैं। ये हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं कि कॉजेज क्या है, कारण क्या है, एंड उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्शन लिए। दोस्तों ये जो चीज़ें दो चीज़ें हैं, कॉजेज एंड गवर्नमेंट का एक्शन, ये हर चैप्टर में सिमिलर है। सो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी मतलब कारण क्या हो सकते हैं भैया, पॉवर्टी गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन का फट जाना। दोस्तों जिस हिसाब से अपनी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम कुछ ही सालों में वर्ल्ड में टॉप वन पे आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सो दोस्तों ये हमारे पूरे इंडिया के लिए खतरे की बात है। सेकेंड है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर किसी से सुना हो कि जीडीपी सबसे लोवेस्ट लेवल पे आ गई है, दोस्तों ये तो बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि कोविड 19 की वजह से ये सब चीज़ें पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है कोविड 19। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप बेरोजगार हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार है बट वो अंडर है, मतलब वो लिमिटेड है। फोर्थ है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। भैया आज कोई एकदम अमीर बन गया, कोई एकदम गरीब हो गया। इनइक्वलिटी किसकी बात करेंगे, इनकम में, असेट में, कोई प्रॉपर्टी, आपके कोई घर एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर एंड असेट की बात करेंगे। जहाँ पर इनइक्वलिटी है मतलब कोई चीज़ सेम नहीं है, आज हम अमीर आदमी अमीर बनने जा रहा है, गरीब आदमी गरीब हो जा रहा है, यह हालत है। फिफ्थ है इन एसेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। भैया आपको आप वो चीज़ को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जैसे कि एनर्जी, पावर, रोड। रूरल एरिया में तो एनर्जी भी अभी तक बहुत सारे घरों में एनर्जी अभी तक नहीं पहुंची है, पावर नहीं है, रोड नहीं है, रोड बराबर नहीं है। सिक्स्थ है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई तो आपको मालूम है कितनी बढ़ चुकी है। सेवन्थ है रीजनल इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंस। दोस्तों यहाँ पर रीजनल मतलब अर्बन एंड रूरल का कंपैरिजन किया है, जहाँ पर आप देखेंगे डिक्रीज इन रूरल, मतलब रूरल जो डेवलपमेंट होती है वो डिक्रीज हो गई, मतलब कम हो चुकी है, मतलब अर्बन एरिया अर्बन हुए जा रहे हैं, रूरल और रूरल होते जा रहे हैं। एट्थ है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जहाँ पर प्रोफेसर रघुनार ने बोला है, एक सर्कल बनाया है इन्होंने, एक चार्ट बना दिया है, जहाँ पर उन्होंने बोला है अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट कम होगी ना, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट कम होगी मतलब जो काम करने वाले की संख्या कम होगी, वहाँ पर आपका नेट इनकम भी कम हो जाएगा, वहाँ पर आपका पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा, जैसे जैसे आपका ये होगा तो वैसे सेविंग कम हो जाएगी एंड देन आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो अगर एक चीज़ इफेक्ट होती है तो वहाँ पर हर चीज़ इफेक्ट होना चालू कर देती है। नाइन्थ है अदर फैक्टर, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, सुनामी आ गई, कुछ भूकंप आ गया, इस ऑल काइंड एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कास्ट, रिलीजियर, हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ना बहुत गलत होता है दोस्तों, तो ये हमारे इंडिया में भी सब चल रहे हैं, तो नेचुरल अदर फैक्टर, ये सब चीज़ें अदर फैक्टर में आ जाती है। अब चलिए मूव ऑन करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, इस चैप्टर का लास्ट क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हेडिंग का नाम, जनरल मेजर्स टू इराडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को मिटा देना, पॉवर्टी को उखाड़ के फेंक देना। यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया मेजर्स के लिए मतलब गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन क्या लाए हैं इसके लिए। फर्स्ट है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। दोस्तों पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है और हम चाइना को भी टक्कर देने के लिए आ चुके हैं, तो यहाँ पर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया है। सेकेंड है एग्रीकल्चर, अगर आपको एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो वहाँ पर जो चीप क्रेडिट फैसिलिटी को अवेलेबल कराना होगा, मतलब जो लोन है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको देने होंगे किसान को। थर्ड है रूरल वर्क्स मतलब आपके रोड, इरिगेशन फैसिलिटी, इसको इम्प्रूवमेंट करना होगा, मतलब अगर आपको रूरल एरिया को डेवलप करना है तो वहाँ के रोड अच्छे करवा दीजिए, वहाँ की जो सिंचाई की व्यवस्था है उसको अच्छे से करा दीजिए। फोर्थ है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो गांव है उसको थोड़ा शहर बनाइए, वहां पर इंडस्ट्री डालिए, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनी लाइए जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। फिफ्थ है मिनिमम वेज बोल लीजिए, वेज मतलब होता है डेली की तनख्वाह और सैलरी बोलते हैं मतलब एक महीने की तनख्वाह। सो यहाँ पर आपको वेजेस जो डेली की तनख्वाह है वो आपको डिसाइड करनी है, मतलब जो किसान है या फिर कोई रोजगार करता है उसको फेयर वेजेस मिलने चाहिए। सिक्स्थ है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पर जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो राशन की दुकान होती है उसको सब्सिडाइज्ड रेट पर बेच रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा कदम है अगर आपको पॉवर्टी को ख़त्म करना है, मतलब जो राशन जो बेसिक नीड है जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान जो आप बात करते हो, वहाँ पर जो खाने की चीज़ें अगर आप वो सब्सिडी रेट पे कराएंगे तो किसान भाई बहन भूखे नहीं मरेंगे। सेवेंथ है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक,
भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही पहले 1968 से 1970 में जो बैंक थे उसको नेशनलाइज कर दिया, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो गया, मतलब आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। एट्थ है प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर। प्रोग्रेसिव मतलब यहाँ पर गरीब लोगों को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर अगर आपने अभी तक अभी का बजट देखा हो तो यहाँ पर अगर आपकी इनकम 5 लाख के नीचे है तो वहाँ पर आपको टैक्स ही नहीं भरना है। नाइन्थ है एजुकेशन। दोस्तों अभी गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री एजुकेशन मिलता है, जो बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पर एजुकेशन को लेकर प्रायोरिटी दे रहे हैं। और हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। टेंथ है एफोर्डेबल हाउस। एफोर्डेबल हाउस यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पर अगर आप कोई घर लेते हो तो वहाँ पर 2.67 लाख की आपको सब्सिडी दी जाती है। ये बहुत ही अच्छा कदम है मैं मानता हूँ, जहाँ पर गरीब आदमी अगर कोई घर लेता है तो उसको सब्सिडी मिलती है अगर उसका फर्स्ट हाउस होगा तो। 11th है हेल्थ फैसिलिटी। दोस्तों ड्यू टू COVID-19 आपको मालूम हो तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर आजकल सभी लोग कॉशियस है। तो दोस्तों इसके लिए भी गाँव बहुत सारे गाँव में ये सब सुविधा चालू कर दिए एंड ये जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। 12th है स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट। स्किल को डेवलप करना एंड स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग प्रोग्राम बनाना ये बहुत ही अच्छा कदम है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको लेके बहुत ही अच्छा कोई स्कीम लाना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर का दी एंड होता है एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी दूसरे लोग की हेल्प हो सकती है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।